वोट कार्ड लेकर के इस चुनाव में आपके पास आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या 5 साल पहले आपको अनवरत और निर्बाध बिजली मिल पाती थी क्या? 5 साल पहले मिलती थी क्या? आज को मिल रही होगी ना, कोई कटौती नहीं होती होगी ना। पावर हाउस है, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई। भारत के अंदर कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का भी कार्य हुआ है। और कानपुर से ज्यादा इसको कौन देख सकता है कि भाइयों बहनों, कानपुर में तो कोरोना के कारण सर्वाधिक लाभ कानपुर में अगर किसी विधानसभा सीट को प्राप्त हुआ है तो मेट्रो के कारण गोविंद आपके कल्याणपुर विधानसभा सीट को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। मेट्रो का संचालन प्रधानमंत्री जी ने यही कानपुर में आकर के उसका शुभारंभ किया। कोरोना भी कानपुर मेट्रो की रफ्तार को थाम नहीं पाया था। हमने जीवन को ही बचाया, जीविका को बचाने का काम भी किया और हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है पीछे तक? जिन लोगों ने वैक्सीन ली है क्या आप लोग ले चुके हैं? उस पर सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? वैक्सीन फ्री है ना। और वैक्सीन का प्रभाव क्या है मधुमेह? तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगा। तीसरी वेव को हम कंट्रोल कर लिए। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने दिया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है। निकल जाइए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने एक बात और देखी होगी कि फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन तो लगाया गया लेकिन डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी प्राप्त हुआ होगा हर गरीब को, डबल डोज राशन का। राशन के नाम पर किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना, फ्री में राशन मिल रहा है ना। भाइयों बहनों, पहले की सरकार में ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये दवा का पैसा कहाँ चला जाता था? यही पैसा चला जाता था समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में। कहाँ जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने 5 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो प्रत्येक नागरिक